गुड मॉर्निंग, आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउज योर फादर? ही इज फाइन। हाउज योर मदर? शी इज फाइन। हाउज योर ब्रदर? ही इज फाइन। ओके, व्हाट क्लास इज टुडे? सो टुडे इज 30th क्लास। ओके, व्हाट डे इज टुडे? इट्स फ्राइडे। व्हाट डेट इज टुडे? इट्स 12th ऑफ जून 2020। ओके गाइस, टुडे आज आपको मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टॉपिक देना चाहता हूं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। जो बच्चे अपनी मदद नहीं करते, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जैसा आपको मालूम है, हमारी यूट्यूब क्लासेस पर 5 क्लासेस चल रही हैं। आइकॉन हिंदी ग्रामर क्लासेस, आइकॉन बेसिक इंग्लिश क्लासेस, आइकॉन स्पोकन क्लासेस, आइकॉन मैथ क्लासेस, आइकॉन जीके क्लासेस। मैं आप सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान अपनी 5 नोटबुक्स बना लें और उन सब क्लासेस को राइट कर लें, लर्न कर लें, पूरा जो होमवर्क दिया है उनको राइट कर लें। और जब आप स्कूल आएंगे लॉकडाउन के बाद, तब हम सबसे पहले इन 5 नोटबुक को ही चेक करेंगे, इनको ही आस करेंगे। ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे कहा था एक जीके कंपटीशन क्लासेस करवाएंगे, वो इन्हीं जीके क्लासेस में से करवाएंगे। इसलिए आपसे सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इन जीके क्लासेस के और जो आप बाकी के जो क्लासेस चल रही हैं, उन सब की नोटबुक बना करके अपना होमवर्क पूरा करें, टाइम टू टाइम पढ़ें, अपनी हेल्प करें। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। मैं इस बात को एक स्टोरी से आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, किसान था, गांव में रहता था। अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, बांध टूटने वाले हैं, सब गांव के लोग गांव खाली कर दो, सब लोग चले गए। लेकिन एक जिद्दी व्यक्ति बैठा रहा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर उसको मनाने आए लोग जीप लेकर के, भैया सब लोग चले गए, घटा गहरा रही है, बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है, बांध टूटेगा, बाढ़ आएगी, तुम बह के चले जाओगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गांव से बाहर चल जाए। लेकिन उसने उन्होंने कह दिया, मेरे को तो ऊपर वाले को विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड, इसलिए आप चाहिए। वो चले गए। फिर दोबारा क्या, वो सब बाढ़ आ गई तो वो व्यक्ति अपने घर की छत पे जाकर के बैठ गया, सब कुछ डूब गया। तो समिति के लोग नाव चला करके आए उसके पास कि भैया आ जाओ, उसमें बैठ जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं मेरे को ऊपर वाले विश्वास है, वो ही बचाएंगे मुझे, तुम जाओ, गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से। चले गए। फिर बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो वो बंदा उस मकान की जो टॉप होती है उस टॉप पे जाके बैठ गया। फिर हेलीकॉप्टर आया, सा सीढ़ियां डाली, भैया आप तो बैठ जाओ, अब तो चढ़ जाओ ऊपर। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे ऊपर वाले विश्वास है। उसको भगा दिया हेलीकॉप्टर, जी भगा दी, नाव भगा दी, हेलीकॉप्टर भगा दिया। अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं, बाढ़ तेज आती है सर, मकान ढह जाता है, वो बह के चल जाता है, मर जाता है, ऊपर वाले के पास जाता है। कि मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विथ यू, मैं इतनी आप में विश्वास करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, आपने मेरे को बचाया क्यों नहीं? उसने कहा, इडियट, वो जीप मैंने ही भेजी थी, वो नाव मैंने ही भेजी थी, वो हेलीकॉप्टर मैंने ही भेजा था, तुम पहचानने में मेरी मदद को असफल रहे, इसलिए ध्यान रखिए, ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस समय लॉकडाउन है, सब स्कूल बंद है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पे बैठकर के 5 नोटबुक बना लें और जो 5 क्लासेस चल रही हैं उनको राइट करें कंप्लीटली। ध्यान रखिए, हैवी गो। टॉपिक ए, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू एक्शन चेक इट। मतलब ये काम किए तुम्हें कितना समय हो गया है? इट्स 2 ईयर्स, 1 ईयर,
two days, three days, 1 hour, 2 hour, since I action second. Action बताना चाहूंगा आपको. Get your shirt straight. ध्यान रखिए get एक पॉजिटिव वर्ब है. इसके बाद आने वाली क्रिया जो भी आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी. Get your shirt straight. अपनी शर्ट सिलवा लो. यानी कि जब कोई काम आप खुद नहीं करेंगे, किसी अन्य के पास जाएंगे. आपके पापा ने कहा भाई तुम्हारी शर्ट सिलवा लो, तो तुम खुद थोड़ी सी होगे, टेलर के पास जाओगे अपनी शर्ट को सिलवाओगे. तो गेट योर शर्ट स्टिच्ड, गेट योर हाउस पेंटेड, गेट योर हेयर कट, गेट योर कार सर्विस. तो चार एक्शन है. अपनी शर्ट सिलवा लो, अपने मकान को पेंट करवा लो, अपने बाल कटवा लो और अपनी गाड़ी की सर्विस करा लो. ध्यान रखिएगा, शर्ट सिलवाने में, मकान की पेंट करवाने में, बालों को कट करवाने में और कार की सर्विस करवाने में, इन चारों वर्कों में ध्यान रखिएगा, इन चारों वर्कों में हमें अन्य की मदद की आवश्यकता इस पड़ रही है. इसलिए हमने गेट का प्रयोग किया. अब एक एक एक्शन को लेते हैं. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट योर शर्ट स्टिच. कितना समय हो गया जब आपको अपने शर्ट को सिलवाई जब से. इट्स 1 year सिंस आई गॉट माय शर्ट स्टिच. एक साल हो गया है जब से मैंने शर्ट को सिलवाया. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट योर हाउस पेंटेड. आपके घर को पेंट कराया आपको कितना टाइम हो गया. इट्स 2 years सिंस आई गॉट माय हाउस पेंटेड. मेरे घर को पेंट कराए हुए 2 years हो गए. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट योर हेयर कट. अपने बाल काटे आपको कितना समय हो गया. इट्स 2 days, 3 days, 1 month सिंस आई गॉट माय हेयर कट. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट योर कार सर्विस. अपनी कार की सर्विस कराए आपको कितना समय हो गया. इट्स 5 months सिंस आई गॉट माई कार सर्विस. 5 महीने हो गए जब से मैंने मेरी कार को सर्विस कराया. तो ध्यान रखिए इसी तरीके से आपको इन चारों के होमवर्क यही करना है. पहले टॉपिक ए लिखना है, लिखने के बाद में एक्शन लिखना है, फिर आपको अपना होमवर्क. ओके अंडरस्टैंड, गॉट इट. अब हम अगर बात करते हैं टॉपिक बी. हैज योर ब्रदर एवर बीन टू साउथ इंडिया कश्मीर गोवा. क्या आपका भाई कभी साउथ इंडिया दक्षिण भारत गया. साउथ में, साउथ की तरफ. हैज योर ब्रदर एवर बीन. ध्यान रखना एवर बीन जगह के स्थान के अनुरूप के लिए आता है. हैज योर ब्रदर एवर बीन टू साउथ इंडिया. डोंट लिमिट योर सेल्फ. ब्रदर की जगह फादर, अंकल, सिस्टर, मदर लगा. हैज योर अंकल एवर बीन टू साउथ इंडिया. Has your father ever been to South India? Has your sister ever been to Jaipur? वगैरह जो भी स्थान आप चेंज कर सकते हैं. तो अगर नहीं गया तो no, he hasn't been there. नहीं वो वहां नहीं गए, South India में नहीं गए हैं. But you know, once he wants to go there, लेकिन आपको मालूम है एक बार वे वहां जाना चाहते हैं. Has your brother ever been to Kashmir? क्या आपके भैया कभी कश्मीर गए हैं. No, he hasn't been there. नहीं वो वहां नहीं गए. But you know, once he wants to go there, लेकिन एक बार वो वहां जाना चाहते हैं. Has your brother ever been to Goa? क्या आपके भाई कभी गोवा गए हैं. No, he hasn't been there. नहीं वो वहां नहीं गए. But you know, once he wants to go there, एक बार वो वहां जाना चाहते हैं. तो ध्यान रखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे इनका HW करना है. पहले साउथ इंडिया, फिर कश्मीर, फिर गोवा. अनलिमिटेड कीजिए. डोंट लिमिट योर सेल्फ. जयपुर के बारे में पूछिए. Has your brother ever been to जयपुर. क्या आपका भैया कभी जयपुर गया. No, he hasn't been to जयपुर. But you know, once he wants to go there, लेकिन एक बार वहां जाना चाहता है. Has your brother ever been to मुंबई. मुंबई गया है क्या. No, he hasn't been there. But you know, once he wants to go there, लेकिन एक बार वहां जाना चाहता है. Has your brother ever been to Kolkata? Kolkata gaya hai. No, he hasn't been there. But you know, once he wants to go there. Has your brother ever been to Gujarat? Gujarat gaya hai kya? No, he hasn't been there. But you know, once he wants to go there. So, dhyan rakhiye. The more you speak, the more you fluent. Practice makes a man perfect. Practice ek vyakti ko perfect banati hai. Isliye jyada se jyada practice kare. The more you elaborate. डोंट लिमिट योर सेल्फ. अपने आप को लिमिट न करें, अपने आप को सीमित एक्शन तक न रखें. स्काई इज द लिमिट. आकाश की तरह अपने लिमिट को ओपन रखें. Here we go. God helps those who help themselves. जो अपनी मदद, God उन्हीं की मदद करता है.
करते हैं जो अपनी मदद करते हैं, जो अपनी मदद करते हैं ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं, जो अपनी मदद नहीं करते ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करते, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, जो स्टूडेंट स्टडी नहीं करते वो लाइफ में कभी सफल नहीं होते, एमलेस रहते हैं। ध्यान रखिए, अपनी मदद करें होम पे रह करके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बियर मास्क, मास्क पर पहने, लोग कह रहे हैं ना गोर्ड के भी मास्क पहनो, हैंड को सैनिटाइज करो, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, अपनी मदद करो, अपने आप को बचाओ, ईश्वर तभी तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम बिना सैनिटाइज के घूम रहे हो, बिना मास्क के बात कर रहे हो लोगों से, बाहर जा रहे हो अननेसेसरी, होम पे रह के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो गॉड आपकी मदद कैसे करेगा? Here we go. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost, my dear. If wealth is lost, nothing is lost. ध्यान रखिएगा, अगर पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया। आज पूरे इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, सब बिजनेस तबाह हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए हड्डी रहेगी ना तो मांस दोबारा आ जाएगा। If wealth is lost, nothing is lost. कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे, कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर? If wealth is lost, nothing is lost. अगर पैसा गया समझो कुछ नहीं गया। If health is lost, something is lost. और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ चली गई आपकी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप व्यायाम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, सुबह जल्दी गेटअप नहीं होते, फ्रेश नहीं होते, टीथ की ब्रश नहीं करते, वाथिंग नहीं करते, तो सही है सर, इंडिस्पोज तो आपको होना ही है। तो इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर इंसान का चरित्र चल जाए, करेक्टर चल जाए, तो समझो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. ध्यान रखिए guys, it takes two make a quarrel, कहते हैं ना भैया एक हाथ से ताल नहीं बजती, दोनों हाथ बस है। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे, it takes two make a quarrel. Okay, who the hell are you? बोलते हैं जनरली, who the hell are you? तुम किस खेत की मूली हो? Who the hell are you? Who the hell are you? बोलता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। What the hell are you saying? सर क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो? What the hell are you saying? कहते ना, What the hell are you saying? Okay, ध्यान रखिए, जब अपन लंबे समय के बाद मिलते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। अरे लंबे समय से नहीं मिले, वेयर हैव यू बीन, कहां हो आजकल? लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन, कहां हो भाई, कहां थे, वे वर यू कहां थे? Long time no see, where have you been? Long time no see, where have you been? It's ages since I saw you. तुमसे मिले तो युग बीत गए। It's ages since I saw you. तुमसे मिले तो युग बीत गए। याद रखिए, आप किसी को अवेलेशन देते हैं या बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, तो बोलते हैं ना, मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके भैया, अब आप जा रहे हो झंडे गाड़ के आना एग्जाम में, मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके बाय।